नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने दी पार्टी के बड़बोले नेताओं को नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर पार्टी के बड़बोले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार का मंत्र सिर्फ विकास है। प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि बेकार के मुद्दों में नहीं उलझते हुए हमें एक ही मूल मंत्र को लेकर आगे चलना है, विकास विकास और विकास। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि विपक्ष के बहकावे में आकर कुछ नेता चर्चा की पूरी दिशा बदल देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि टीवी कैमरे आपको इसीलिए नहीं खोजते हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसीलिए कि आप जो कहते हैं उससे सुर्खियां बनती हैं। नकारात्मक ताकतों को हराने के लिए बौद्धिक क्षमता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रवाद को पार्टी की ताकत बताते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के 22 महीने के कार्यकाल में अब तक राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे व्यर्थ के मुद्दों में न फंसकर पार्टी के हित को आगे बढ़ाते रहें। फडणवीस पर ट्वीट कर घिरे दिग्विजय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके भाई भतीजावाद का आरोप लगाया है। फडणवीस ने आधारहीन आरोप लगाने के लिए माफी की मांग करते हुए कांग्रेस नेता को कानूनी नोटिस भेजा है। एक दिन पहले ही सिंह ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली झुग्गी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण ने सभी SRA डेवलपर से कहा है कि वो मुंबई के वर्ली स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में खाता खोलें। दरअसल मुख्यमंत्री की पत्नी इसी बैंक में पदाधिकारी है। कांग्रेस नेता के आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद फडणवीस ने अपने वकील गणेश सोवानी से कहा कि वो सिंह से 2 सप्ताह के भीतर बिना शर्त माफी की मांग करे। सिंह को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि मुझे यह आपसे कहने के लिए निर्देशित किया गया है कि आप उन आरोपों को वापस लें और संशोधन करें जो आपने मेरे मुवक्किल के खिलाफ लगाए हैं। इसके साथ ही आप उनसे 2 हफ्ते के भीतर अपने उसी ट्विटर हैंडल के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगिए। कांग्रेस सांसद थरूर ने JNU में कहा कन्हैया आज का भगत सिंह। JNU के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि आजकल राष्ट्रवाद इससे तय होता है कि कोई व्यक्ति भारत माता की जय कहता है कि नहीं। मुझे ये कहने में खुशी है कि क्या हमें सभी को ऐसा कहने के लिए मजबूर करना चाहिए। शशि थरूर ने JNU में कथित देशद्रोही नारे लगाने के आरोपी कन्हैया को भगत सिंह बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों को जो सही लगता है उससे चुनने का अधिकार होना चाहिए और दूसरों के विचारों को सहन किया जाना चाहिए। थरूर ने कहा कि भगत सिंह अपने जमाने में कन्हैया कुमार थे, देश में किशन कन्हैया और कन्हैया कुमार दोनों के लिए जगह है। थरूर ने महाराष्ट्र विधानसभा में MIM विधायक वारिस पठान के भारत माता की जय बोलने से इनकार करने पर सदन से उनके निलंबन को भी गलत ठहराया।